अब ये मुकाबला स्टार्ट हो गया है, आज दिन का ये फाइनल का मुकाबला। यहाँ से इस 2024 के सीजन में कौन सा टीम 50,000 रुपया जीत करके जाएगी और कौन सा टीम यहाँ से 40,000 के हकदार बनेगी इस फाइनल मुकाबले में, ये तय होना अब शेष रह गया है। दोनों टीम चाहेंगे कि इस 2024 के सीजन में इस एफसी सकरी गली इस रेलवे मैदान में मैं इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखूंगा, मैं एक अलग रिकॉर्ड बना करके जाऊंगा इस 2024 में इस ग्राउंड में। इस प्रकार का प्रयास दोनों टीम्स का रहेगा। कहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग ने किसी पे हंसा है तब तब इतिहास उसी ने रचा है। तो यहाँ पर आखिर करके इन दोनों में से कौन सा टीम इतिहास रचेगी इस 2024 में, एक नया रिकॉर्ड बनाएगी, यह हम देखेंगे। क्योंकि पिछले सीजन धट्टापड़ा की टीम सेमीफाइनल में हार गए थे और जेके जमालपुर की टीम इस ग्राउंड पर कई बार चैंपियन टीम रह चुके हैं लेकिन 2023 में ये टीम को भी हार का सामना करना पड़ा था। लगभग शायद क्वार्टर फाइनल जैसे मैच में वो हार गए थे और इनका भी सफर जो था फाइनल तक का नहीं बन पाया था। लेकिन इस 2024 में दोनों टीम्स ने अच्छा प्रयास किया। सेमीफाइनल जो पिछले साल का रिकॉर्ड था धट्टापड़ा का, इस साल ये फाइनल में पहुंच गए हैं और जमालपुर की टीम भी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराने के लिए इस बार ये फाइनल में पुनः अपना जगह क्वालिफाई किए हुए हैं। यहाँ से विजय टोपो जर्सी नंबर 9 में, लेकिन वहां से गेंद को वापसी कर देंगे इस बार ये हमारे धट्टापड़ा राजा राम के पास गेंद होगा। राजा ने वहां पर विकास मिंच को खेल दिया। विकास गेंद को लेकर के आगे निकलते हुए हेलो और इसी बीच यहाँ पर गेंद पोजीशन जो होगा और एक बार घाटा पड़ा वहां से लेफ्ट फुलर के पोजीशन से गेंद को आगे खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद वहां प्ले से बाहर जाएगी। इसी बीच वहां पर और एक बार टिक्कू लकड़ा, टिक्कू ने वहां पर परिमोल को खेल दिया। परिमोल इस बार गेंद को लेकर के आगे बढ़ते हुए वहां पर अपने लेफ्ट विंगर में अपने सहयोगी खिलाड़ी को खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उतना ही तक में प्ले से बाहर चली गई। राहुल किस्पोटा इस प्लेयर्स ने टीम के लिए बड़ा योगदान दिया है पिछले मैचों में। पिछले मैच में इनका लगातार 2 गोल देखने को मिला और इससे भी पहले राहुल के नाम पर गोल है। तो अच्छे स्कोरर है राहुल किस्पोटा जर्सी नंबर 11 में हमारे धट्टापड़ा की टीम से। इसी बीच वहां पर नायकी ब्रांडी अब जेके जमालपुर की टीम पहला गोल लेने के फिराक में, लेकिन अच्छा वापसी वहां पर देखने को मिला डिफेंस लाइन के द्वारा। इसी बीच वहां पर उपेन गेंद को लेकर के आगे बढ़ने के प्रयास में थे लेकिन वहां पर गेंद को सही पास नहीं खेल पाए। इसी बीच गेंद पोजीशन और एक बार वहां नाइकी, लेकिन उपेन ने गेंद को जीत लिया है वहां पर। उपेन बड़ा अपने सपोर्टिंग मनिक को खेलते हुए, मनिक का एक समांतर दिशा में पास वहां पर लाइसेंस टनू के लिए, लाइसेंस का ये शॉट लेकिन ये दिशाहीन रहा और कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका धट्टापड़ा कोटल पोखर को। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आज हमारे इस अतिथि मंच में जितने भी हमारे अतिथिगण पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इन सबों ने अपना महत्वपूर्ण समय इस टूर्नामेंट को दिया है आज इस फाइनल मैच में और खास करके अतिथि मंच का जो शोभा बढ़ा है इनके द्वारा, इनको जितना शुक्रिया अदा करें इनको जितना हम धन्यवाद दें मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुखिया साहिबा को, जिन्होंने प्रथम दिन भी अपना महत्वपूर्ण समय इस टूर्नामेंट के लिए निकाल करके यहाँ पर उपस्थित थे। हमारी बड़ी भाग्य हमारी पंचायत से चल करके आई हुई पंचायत मुखिया साहिबा श्रीमती धनिया देवी, उनके प्रतिनिधि को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे श्री जटला और अवसर को। साथ ही साथ यहाँ पर अपना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी यहाँ पर हमारे जो
संत गांधी मेमोरियल स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं इंग्लिश मीडियम के हमारे श्री गोपाल यादव सर, ये भी लगातार इस टूर्नामेंट में अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं, इनके लिए ये भी धन्यवाद के पात्र रहेंगे। उनके साथ हमारे शिक्षक मोहरा राव सर, ये भी पिछले दिन की तरह ही आज भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है इस टूर्नामेंट को, इसलिए इनको भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो एथलेटिक्स कोच है हमारे अशोक सहानी सर, ये लगातार यहाँ के टूर्नामेंट में हमेशा बने रहते हैं, हमेशा इनका मार्गदर्शन यहाँ के कमेटियों के लिए रहता है। यहाँ का टूर्नामेंट को चलाने के लिए हर एक विधि व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है, हमेशा ये सजेशन इनको डायरेक्शन देते रहते हैं। और अशोक सहानी सर का भी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट में, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ इस क्लब की ओर से। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बीच फर्स्ट दिन भी और आज भी यहाँ पर मौजूद है जिला संयोजक AAP के श्री रणवीर प्रसाद सर, इनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर पूर्व शिक्षक हमारे बुद्धदेव यादव सर, शिक्षक हमारे सुनील चौधरी सर, साथ ही साथ यहाँ पर रोहित कुमार गुप्ता सर, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। श्री भुवनेश्वर मंडल जी, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ अपना बेस्ट कीमती समय देने के लिए। श्री बिरबल मंडल जो पंचायत समिति है, इनको भी पंचायत समिति सदस्य है, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान बिशु राव जी, ये भी धन्यवाद के पात्र रहेंगे, क्योंकि ये देखिए बेहतरीन गोल और क्या स्टंट है वहां पर, परिमोल मरंडी गजब का स्टंट दिखाते हुए, परिमोल ने फर्स्ट पोस्ट के बॉटम कॉर्नर में गेंद को बहुत ही अच्छा फिनिश किया। बहुत ही अच्छा गोल, फर्स्ट हाफ में ही एक महत्वपूर्ण गोल के बढ़त घाटा पड़ा कोटल पोखर साहब में, जल से परिमोल मरंडी। नवा मैच ना है तो हम समय रहेंगे, पहला गोल है ना घाटा पड़ा से कोई परिमोल मरंडी से कोई नवा मैच है ना, कब तक वापसी को हजम करना नोडे कोई जेके जमालपुर आर्मी था, अगला गोल लगे उन्हें कोई राहुल किसपोटा सेकंड गोल लगी मैन खा लिए दो मोटे बॉल साइड नेटिंग ना, इस बार राहुल किसपोटा का जो शॉट था वो साइड नेटिंग भी और जिसके वजह से इस बार गोल नहीं मिला डट्टापड़ा की टीम। यहां पर जेके जमालपुर रमेश इसको ने एक लंबा पास निकाल दिया, लेकिन ऐसे में वहां पर अपील कर रहे थे लेकिन वहां पर हैंडबॉल था ही नहीं, जिसके वजह से रेफरी ने इसको नजरअंदाज किया। और इसके बाद यहाँ पर गेंद पोजीशन पुनः वहां पर मनिक बास्की को मिला है गेंद, अब मैच में रोचकता थोड़ा सा बढ़ेगी क्योंकि इस मैच में एक शून्य का महत्वपूर्ण बढ़त है इस मैच में हमारे घट्टापड़ा कोटल पोखर के पास। मैच को हर हाल में वापसी करने के प्रयास में रहेंगे जेके जमालपुर की टीम, और मैं समझता हूं कि अगर घट्टापड़ा की टीम इस मुकाबले को जीत जाती है तो पहली बार इस ग्राउंड पर ये चैंपियन टीम बनेगी, चैंपियन टीम का बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यहाँ से घट्टापड़ा कोटल पोखर। विकास भी ये अच्छा खेलते हैं, ये खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा ये मेहनती खिलाड़ी है विकास। और ये थ्रोइंग बॉल परिमल ने वहां पर टिको को खेला, टिको हल्का पीछे खेलते हुए इसी बीच क्या वहां पर मौका बनेगा, लेकिन ये नहीं, वहां से इस बार गेंद निकल गई है खतरे वाले एरिया से। आराम से करा दीना, और एक बार नाइकी नाइकी वहां पर लाइसेंस को खेलते हुए, लाइसेंस टुडू वहां पर मौका तलाश रहे लेकिन लाइसेंस वहां पर गेंद चली गई है, अब वहां पर बिरबल के पास गेंद होगा लेकिन बिरबल जी ने गेंद को क्लियर किया प्ले से बाहर। वक्त अभी भी है, समय अभी भी है मैच में वापसी आने के लिए, बॉल बॉयज बॉल दीजिए, अगला बॉल दीजिए, यहां पर एक गोल का अंतर है लेकिन यहां पर शॉर्ट फॉर्मेट का मैच है, एक ही गोल इनके लिए महंगा पड़ सकता है। इसी बीच वहां पर परिमोल
थ्रू पास निकालते हुए, लेकिन गेंद जाएगी प्ले से बाहर और एक थ्रोइंग को जीतेंगे इस बार। ये हमारे घट्टापड़ा की टीम, कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होती है। तो आप हर एक मुश्किलों से लड़ते रहे, उनका आप सामना करते रहे, जेके जमालपुर की टीम निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दोनों एक ही बिरादरी के प्लेयर्स हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छा परिचय दीजिए, एकदम झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स का पार्ट नहीं है। आप अपना जो बिहेवियर है आप उसको बेहतर करें, एक प्लेयर्स का जो परिचय होना चाहिए हमेशा ग्राउंड पर, उसको हर एक डिसिप्लिन को जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए, तभी वो एक अच्छे प्लेयर्स के रूप में वो जाना जा सकता है और अपना अच्छा परिचय दे सकता है। आप उनमें खेल के माध्यम से निश्चित रूप से यहाँ जमा हुए एक एक ऑडियंसों का आप दिल को जीत सकते हैं, वैसा आप खेलें, वैसा आप परिचय दें, ताकि लोग आपका चर्चा करें कि इस टीम से इतना नंबर जर्सी में जो खेल रहा था वो प्लेयर्स क्या कमाल का खेल रहा था, ना वो रब खेलता था, ना वो किसी को अनावश्यक तरीके से चोट पहुंचाने का प्रयास करता था, साफ सुथरा खेल करके टीम को इतना बेहतर वो कंट्रीब्यूट करता था। तो इस प्रकार का आप खेल खेलें, ताकि लोग हर जगह यहाँ से जा करके आपका गाँव अपने मोहल्ले में चर्चा करें, क्योंकि पहचान ऐसे ही नहीं बनती है। दुनिया में जो पहचान बनाए हैं निश्चित रूप से उन्होंने पता नहीं कितना दिन से उस क्षेत्र में वो प्रयास किए होंगे, तब जाके एक बेहतर पहचान बना पाए हैं। क्योंकि कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में पहचान बनाते बनाते उनका उम्र गुजर जाती है, लेकिन पहचान को नीलाम होने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप ऐसा खेलें कि आप अपने खेल के माध्यम से यहाँ जमा हुए एक एक दर्शकों के दिलों में आप राज करें, ऐसा आप छाप छोड़ के जाएं। क्योंकि कहते हैं कि अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना, दुनिया के भीड़ में अपना पहचान बनाए रखना, अपने नन्हे से दिल में कोई अरमान बनाए रखना, अपने दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना, अच्छे नहीं लगते हो जब रहते हो उदास, अपने होठों पे सदा वही मुस्कान बनाए रखना। तो जिस प्लेयर्स के पास उस प्रकार का खूबी होता है, जिस शख्स के पास उस प्रकार का पहचान होता है, निश्चित रूप से उनको हर जगह में चाहने वाले लोग होते हैं, हर जगह उसको निश्चित रूप से मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं। तो उस शख्स के चेहरे में, उसके होठों में कभी उदासी नहीं, बल्कि उसके होठों पे सदा मुस्कुराहट झलकेगी। तो वही पहचान, वही परिचय आप दीजिए, तो लोग आपका हर जगह में आपका मान सम्मान करेंगे। सेकेंड हाफ के लिए दोनों टीम्स आप लोग जल्दी रेडी हो जाइए, सेकेंड हाफ के लिए जल्दी रेडी हो जाइए। चलिए सेकेंड हाफ के लिए जल्दी दोनों टीम्स आप लोग रेडी हो जाइए। ये शॉर्ट फॉर्मेट का मैच है, एक गोल मायने रखती है इस मैच में। यहाँ पर प्लेयर्स में बदलाव की तैयारी चल रही है, जेके जमालपुर टीम से नो आउट और उसके जगह पर एक नए प्लेयर्स आएंगे ग्राउंड में। नो आउट और 10 इन। जेके जमालपुर इस ग्राउंड से लगातार वो कई बार चैंपियन टीम बन के गए हैं, तो निश्चित रूप से इनका भी अपना एक मान सम्मान का बात होगा, अपना इज्जत का बात होगा कि अपना वो रिकॉर्ड को कभी नीलाम नहीं होने देंगे, एक अलग रिकॉर्ड इस साल भी यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक गोल का दबाव इनके पास है, लेकिन ज्यादा अंतर है नहीं, इसलिए सेकेंड हाफ में जेके जमालपुर की टीम हर संभव प्रयास करेंगे कि इस मैच को ये जल्द से जल्द लेवल करें और अपना मान सम्मान जो है इस ग्राउंड में जिस प्रकार से जेके जमालपुर का कई वर्षों से यहाँ पर है वो उसको बरकरार रखें। कहते हैं कि ना मंदिर ना मस्जिद ना गंगा की धार करें,
ना मंदिर ना मस्जिद ना गंगा की धार करे, वो घर ही मंदिर जैसी है जिसमें हर औलाद अपने माँ बाप का सम्मान करे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जेके जमालपुर की टीम अपने टीम का जो मान सम्मान है, अपना टीम का जो लाज है, इज्जत है, उसको बरकरार रखना चाहेंगे, क्योंकि जो वर्षों से ये रिकॉर्ड बनाए आए हैं, रिकॉर्ड बनाते आए हैं, निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को ये दोबारा दोहराना चाहेंगे जेके जमालपुर। और ये चाहेंगे कि इतना आसानी से ये हार मानने वाले नहीं है, अभी भी इनके पास वक्त है, लेकिन वक्त में क्या मैच को ये लेवल करेंगे, जो सीमित समय है 5 आउट और 15 इन जेके जमालपुर। कहा जाता है अगर मेहनत आप करते हैं, संघर्ष आप करते हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी मजबूर हो जाता है कि इस इंसान को निश्चित रूप से इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की साथ देती है जो मेहनती इंसान होते हैं। आप मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए लगातार, निश्चित रूप से आपको परिणाम जरूर मिलेगा, क्योंकि परिश्रम जो अगर परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम होगा आपके पक्ष में जरूर होगा। और इसी बीच में देख रहा हूँ कि प्लेयर्स को थोड़ा चोट लगता हुआ, शायद टीम के कैप्टन होंगे यहाँ पर करण पन्ना, हल्का वहाँ चोटिल होते हुए। चलिए वहाँ पर मेडिकल टीम कॉल आ रहा है आपके लिए, जल्दी पहुँचे फर्स्ट एड बॉक्स के साथ। अब वहां से संदीप हमारे एसआई अनिल यादव सर का यहां पर आगमन हो गया है इस मंच में। उनका भी ये एसवाईएफसी सक्रिय गली ऑर्गेनाइज कमेटी उनका दिल से स्वागत करती है अतिथि मंच में। मैच बहुत रोमांचक चलता हुआ, मैच में एक गोल की महत्वपूर्ण बढ़त अभी तक येलो कलर की जर्सी में जो डीप येलो में है, जो पूर्वी साइड से अपना पोजीशन बना करके खेल रहे हैं, ये टीम 119 आगे है। इसी बीच वहां पर छोटू को मौका मिल गया था, लेकिन गेंद को वो कनेक्ट नहीं कर पाया, नहीं था गोल आ सकता था। आप प्रयास कीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास, क्योंकि कहते हैं कि इंसान को वक्त रहते प्रयास कर लेना चाहिए, उनको निश्चित रूप से जो उनका सपना है जिंदगी में उसको पूरा करने के लिए उनका समय जो है वो सीमित समय तक ही होती है। कहते हैं मौका आपको बार बार नहीं मिलता, भगवान भी मौका आपको देता है, वो भी सीमित समय के लिए। सीमित समय में अगर आप अपने मौका को पहचानने में सक्षम होते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, अन्यथा आपको इंतजार करना होगा मौका के लिए, और इंतजार करने वालों को कभी मौका नहीं मिलती है। मौका आपको खुद से बनाना होगा, मेहनत के दम पर मौका बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, और उस मौके को भुनाना होगा, तब जाके परिणाम आपके पक्ष में होगा। क्योंकि कहते हैं कि शाम कभी भी ढल सकती है, हवाओं से किस्ती निकल सकती है, शाम कभी भी ढल सकती है, हवाओं से किस्ती निकल सकती है, होके मायूस होना, अपने इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो किस्मत को बदलने के लिए आपको प्रयास की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है जेके जमालपुर। तो मैं समझता हूं मैच को आप कभी भी लेवल कर सकते हैं। इसी बीच वहां पर सेकंड गोल के लिए टिक्कू लकड़ा तेजी से आगे बढ़ते हुए, लेकिन
कुंतल पकड़ के द्वारा। अब मैं देख रहा हूँ कि जेके जमालपुर के ऊपर थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव, एक माइंडली प्रेशर बनता हुआ, और इसी बीच वहां पर परिमोहन मरंडी अब गेंद को लेकर के आगे बढ़ते हुए दो दो प्लेयर्सों के बीच से शॉट लिया, लेकिन परिमोहन के हाथ में गेंद टकराई और हैंडबॉल हुआ वहां, फ्री किक लेने का अवसर जेके जमालपुर। गजब का खेल, दोनों टीम्स ने कमाल का खेल खेला है। कहते हैं कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी जमी पर आ जाएगा मेरे दोस्त। बस इरादों में जीत की गुण चाहिए, अगर आपका इरादा मजबूत है तो जीत आपके पक्ष में जरूर होगा, लेकिन अभी तक कहना मुश्किल होगा कि कौन सा टीम यहां से जीतेंगे, क्योंकि अभी भी समय है, बचा हुआ समय एक एक मिनट एक एक सेकेंड इनके लिए बहुत ही बेसकीमती समय होगा जेके जमालपुर के लिए। एक गोल के बाद फाइनल जैसे मैच में बड़ा ठोकर मिलता हुआ हमारे जेके जमालपुर, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठोकर खा चुके हैं, गिरने के बाद आप उठिए, जगिए और मौका को बनाइए और गोल करके मैच को लेवल कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि ठोकरे खाता हूं पर सांग से चलता हूं, खुले आसमां के नीचे सीना तान के चलता हूं, गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, आखिर करके जीतूंगा ये ठान के चलता हूं। तो निश्चित रूप से आपको ठान लेना होगा कि हमें हर हाल में मैच में वापसी आना है। ये गजब का खेल, आज दिन का रोमांचक मुकाबला, फाइनल का मुकाबला, हालांकि समय ज्यादा है नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट का मैच है, अगर और ही देखिए बुलेट की रफ्तार में गई थी, अगर पोस्ट में गेंद होता तो यहां पर गोल श्योर था। दोनों टीम्स कम नहीं है और यहां पर सभी दर्शकों को प्रभावित किया है। बॉल को इस बोल दीजिएगा, अगला बोल दीजिए, अगला बोल दीजिए, बॉल बॉयज बोल दीजिए, इनके लिए एक एक सेकेंड इस मैच में मायने रखेगी बहुत ज्यादा। जो भी टीम हारेंगे उनको 10,000 रुपया का नुकसान सहना होगा, जो भी टीम जीतेगी वो 10,000 रुपया बेनिफिट में रहेंगे, 50,000 उनको मिलेगा और वो विजेता टीम को 40,000। 10,000 रुपया भी कम अमाउंट नहीं है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट है 10,000 रुपया। कहते हैं कि आपको हर संकट से आपको लड़ना है, क्योंकि आपने सपना देखा है विनर बनने का, उस पोजीशन तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते आप तक लड़ते रहिए। हमारे जेके जमालपुर की टीम, दोनों टीम को लड़ना होगा, क्योंकि यहां पर हर एक टीम एक उम्मीद के साथ आए थे, एक ये सोच बना करके आए थे मैं सकरी गली रेलवे मैदान में अपना टीम लेके जाऊंगा और वहां फाइनल में खेल करके मैं विनर बन के आऊंगा, इस सोच के साथ आए थे, लेकिन लाइसेंस टुडू का ये शॉट ऑफ टारगेट रहा। कहावत में कहा जाता है, आप तब तक लड़ते रहे, तब तक लड़ते रहे जब तक आप अपने तय किए गए हुए दूरी तक आप पहुंच ना जाओ। बॉल बॉयस बोल दीजिए, बोल दीजिए, बॉल बॉयस बोल दीजिए, अगला बोल दीजिए जल्दी। कलाम जी का बहुत ही सुंदर लाइन है, कलाम जी कहते हैं कि आप तब तक लड़ते रहो जब तक आप अपने तय किए गए हुए दूरी तक आप ना पहुंच जाओ। आप तब तक लड़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डिस्टेंस प्लीज। बट वहां पर गया अभी भी गोलकीपर के लिए और अच्छा ग्लव सिंह वहां पर देखने को मिला। टीम के कैप्टन के ऊपर खास नजर रहेगी जेके जमालपुर हमारे जोसफ लकड़ा, इस मैच में क्या रणनीति लाएंगे, क्योंकि एक टीम में टीम के कैप्टन का बड़ा रोल होता है कि अपने टीम को मुश्किल अवस्था में कैसे वो उभारे, टीम में कैसा रणनीति वो बनाए खेल के क्रम में, वो अनुभव रखने वाले प्लेयर्स को ही टीम के कैप्टन के रूप में उसको उपाधि दी जाती है। टीम के कैप्टन वो होते हैं जो कि हर एक मुश्किल सिचुएशन में अपने टीम को बचाए रखे, यही एक टीम के कैप्टन का बड़ा रोल निभाने के लिए टीम के कैप्टन को बनाया जाता है कि एक टीम को वो बेहतर तरीके से लीड कर पाए, उसका नेतृत्व कर सके। लेकिन हम देखेंगे टीम के कैप्टन जेके जमालपुर के जो प्लेयर्स हैं वो
अपना रोल कैसे प्ले करेंगे ऐसे समय पर। और ये ऑफसाइड का कॉल आया है, क्योंकि कहावत में यह भी कहा गया है कि किसी भी मिशन और संस्था की सफलता के लिए एक रचनात्मक इकाई का होना बहुत ही जरूरी होती है। फॉर सक्सेस एनी मिशन इट इज नेसेसरी हैव टू हैव क्रिएटिव लीडरशिप। तो किस प्रकार से आप अपने टीम को आप लीडरशिप करेंगे, अगुवाई करेंगे, ये बहुत बड़ा मायने रखती है। एक टीम के कैप्टन के ऊपर में यह जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज अपना जिम्मेदारी जेके जबलपुर के टीम के कैप्टन कैसे निभा पाएंगे। यहाँ पर गेंद पोजीशन और एक बार ओपन बना, ओपन ने वहां पर मनिक को खेला, मनिक इस बार नाइकी मरंडी के लिए, नाइकी गेंद को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपने सपोर्टिंग प्लेयर्स का पोजीशन देखने के बाद पास निकलना वहां पर, लेकिन गेंद हपन बाबू हेमरम के लिए, ढट्टा पड़ा कोटल पोकर। अगर ये ऑफसाइड और एक नारी फ्री किक लेने का अवसर, यहां से हमारे जेके जमालपुर समय बेबेते को मेरी कना चुनौती जस्ती अधिकरण और मैच रहे जेके जमालपुर लगे, लेकिन संदीप कुजूर थोड़ा अगर ना बॉल बाय हेडिंग जाम लेना बॉल ना परम करा गोल लाइन पे बाहर थे और उन्हें कोई गोल किक लगे मौके को जा मानिए दो ढाटा पड़ा कोटा पोकर टीम नीचे गोल की जेके जमालपुर लगे महंगा साबित हो खिलाड़ी तो ज्यादा समय बनुआ समय हिसाब से नोने जेके जमालपुर होटी उसरा मैच रे वापसी हजु हेत को और बाखान 2000 का लॉस रे को जुड़ा दिए पीछे उन्हें कोई आर भी दम 11 नंबर तो का जाम ले गया बनते उन्हें थोड़ा का लेट चैलेंज और नोने कोई उसर हजुआ वहां फ्री किक माध्यम से गोल सौद लगी। अब यहां से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इस फ्री किक के माध्यम से गोल को क्या रिटर्न कर पाएंगे जेके जमालपुर की टीम। एक सेट पीस बन रहा है, शॉट लेने के लिए तैयार है लाइसेंस टुडू। तगड़ा शॉट था लेकिन थोड़ा सा गेंद पोस्ट के टॉप कॉर्नर के बगल से निकल गई और टारगेट पर। अब धीरे धीरे लग रहा है कि इस मैच में काफी हद तक जीत के करीब है ढट्टा पड़ा कोटल पोकर। और इसी बीच एक शॉट दिया गया लेकिन गेंद कीपर के ग्लव्स में और ये हो जाएगा मैच समाप्ति का फुल टाइम विसिल।